वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 18 ऑफ सेवेंथ क्लास संस्कृत। सुभाषितानी, वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। सुभाषितानी के बारे में हम जानेंगे। पहले हम सुभाषितानी के शब्दार्थ देख लेते हैं तो चैप्टर इजी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर दिया गया ईर्ष्या। ईर्ष्या का मीन्स होता है ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्या करने वाले को संस्कृत में बोलते हैं ईर्ष्या, ठीक है। नेक्स्ट रहते हैं घृणी। घृणी मीन्स घृणा करने वाला। घृणी मीन्स घृणा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट रहते हैं सुलश्य मीन्स दुष्ट का, ठीक है। नेक्स्ट रहते हैं रमंते। रमंते मीन्स होता है निवास करते हैं। निवास करने वाले को बोलते हैं रमंते, ठीक है। वरम। वरम मीन्स होता है श्रेष्ठ। वरम मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट रहता है तमह। तमह मीन्स होता है अंधकार। अंधकार को संस्कृत में बोलते हैं तमह। तमह मीन्स होता है अंधकार। नेक्स्ट कहते हैं क्रोधन। क्रोधित रहने वाला। जो व्यक्ति क्रोधित हो रहता है उसको बोलते हैं संस्कृत में क्रोधन। क्या बोलते हैं उसको? क्रोधन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक, शब्द उत्तरम लिखत। हमें यहाँ पर एक शब्द में आंसर राइट करना है, ठीक। एक शब्द बोल दो या वन वर्ड बोल दो, ठीक, या फिर एक पद बोल दो। क नंबर पे दिया गया है कृति जनह नित्य दुख दुखिता। कृति जनह नित्य दुखद। इसका आंसर आ जाएगा शट। आंसर यहाँ पर हमें राइट करना है शट। नेक्स्ट है देखा नंबर पे कस्य विधा विवादया भवति। कस्य विधा विवादया भवति। इसका आंसर आ जाएगा खलस्य। इसका आंसर आ जाएगा खलस्य। हमने यहाँ पर खलस्य राइट कर दिया है। नेक्स्ट रहते हैं साधो शक्ति किमर्थ भवति। साधो शक्ति किमर्थ भवति। इसका आंसर आ जाएगा रक्षणाय। इसका राइट आंसर आ जाएगा रक्षणाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने एक शब्द वाले देख लिए हैं, अब हम एक वाक्य वाले आंसर देख लेते हैं। एक वाक्य उत्तरम लिख। हमें यहाँ पर एक वाक्य में आंसर राइट करना है, ठीक है। क नंबर पे देख लेते हैं देवता कुत्र रमन्ते। देवता कुत्र रमन्ते। इसका आंसर आएगा यत्र नार्य तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। आंसर को ठीक से समझेगा, यत्र नार्य तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, तब देवता रमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कृति पुराणानि सन्ति। इसका आंसर आएगा अष्टादश पुराणानि सन्ति। अष्टादश पुराणानि सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परोपकारः किमर्थ भवन्ति। परोपकारः किमर्थ भवन्ति। इसका आंसर आएगा परोपकारः पुण्याय भवन्ति। परोपकारः पुण्याय भवन्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिक्त स्थानों को भरो। हमें यहाँ पर जो शब्द ब्रैकेट में दिए गए हैं, जो शब्द कोष्ठक में दिए गए हैं, वह हमें जो खाली स्थान है वहाँ पर हमें फिल करना है, ठीक है। वहाँ पर वो हमें भरना है, ठीक है। क नंबर पे दिया गया डैश डैश जना नित्य मुदिखता। तो यहाँ पर हमें लिखना है षड। षड जना नित्यु दुखिता। यहाँ से हमें यहाँ पर राइट करना है ब्लैंक जगह में, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं ख नंबर साधो धनम डैश भवति। साधो धनम डैश भवति। तो यहाँ से हमें दानाए राइट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें दानाए राइट करना है साधो धनम दानाए भवति। नेक्स्ट देखते हैं ग नंबर पे डैश पुराणेषु व्यवसायस्य वचनद्वयम्। यहाँ पर हमें राइट करना है अष्टादश। अष्टादश पुराणेषु व्यवसायस्य वचनद्वयम्, ठीक है। नेक्स्ट घ नंबर पे डैश परपीड़नम। यहाँ पर आ जाएगा पापाई। यहाँ पर हमें राइट करना है पापाई परपीड़नम। यहाँ से ब्रेकेट से उठाकर हमें यहाँ पर राइट करना है ब्लैंक जगह पर, ठीक है, पापाई परपीड़नम। नेक्स्ट देते हैं परोपकारः डैश डैश भवति। तो परोपकार डैश डैश भवति। तो हमें यहाँ से यहाँ राइट करना है परोपकार पुण्याय भवति, ठीक है। यहाँ पर हमें पुण्याय राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
श्लोक को पूरा करो। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, श्लोक दिया गया है और बीच में ब्लैंक जगह दी गई है, इसको हमें पूर्ण करना है। ठीक है, श्लोक के बीच में हमें ब्लैंक जगह दी गई है जो कि हमें पूर्ण करना है। ठीक है, कर्म देखते हैं। राष्ट्रमम डैश डैश सुखम डैश डैश स्वराष्ट्रकम। देखते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे पूर्ण करते हैं। राष्ट्रमम पिता माता प्राण स्वामी धन, हमें यहाँ पर लिखना है पिता माता स्वामी धन सुखम, स्वामी धन सुखम बंधु राप्त सखा भ्राता स्पर्श में राष्ट्रकम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें राइट करना है, पिता माता से यहाँ से यहाँ तक और बंधु राप्त सखा भ्रांते स्पर्श से, ये यहाँ पर ब्लैंक जगह पर हमें राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ख नंबर पे, अष्टादश डैश 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 पर पीर्णनम। अब इसको कैसे राइट करेंगे देखना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन देयम परोपकार पुण्याय पाप परपीड़नम। ठीक है, यह यहाँ से यहाँ तक हमें राइट करना है ब्लैंक जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलोम शब्दों को मिलाओ, हमें यहाँ विलोम शब्दों को मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर दो कॉलम्स है, अ एंड ब, दोनों कॉलम्स को मिलाना है हमें। ठीक है, पुरुष, पुरुष का विलोम शब्द क्या आ जाएगा, पुरुष का विलोम शब्द आएगा स्त्री, पुरुष को हमने स्त्री से मैच कर दिया है। ठीक है, पुरुष को हमें हमने स्त्री से मैच कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सौभाग्यम, सौभाग्यम को हमने दुर्भाग्यम से मैच कर दिया है। ठीक है, सौभाग्यम का ऑपोजिट क्या होता है, दुर्भाग्यम। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको मैच कर दिया है दुर्भाग्यम से। नेक्स्ट देखते हैं विधा, विधा का हमने यहाँ से अविधा से मैच कर दिया है। ठीक है, विधा का ऑपोजिट क्या होता है, अविधा, तो हमने विधा को अविधा से मैच कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं पिता, पिता को ऑपोजिट क्या होता है, माता, तो हमने पिता को माता से मैच कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धर्म, धर्म का ऑपोजिट क्या होता है, अधर्म, तो हमने धर्म को अधर्म से मैच कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पति, पति का ऑपोजिट होता है पत्नी, तो हमने पति को पत्नी से मैच कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मूर्ख, मूर्ख का ऑपोजिट होता है विद्वान, तो हमने मूर्ख को विद्वान से मैच कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पुण्यम, पुण्यम को हमने पापम से मैच कर दिया है, क्योंकि पुण्यम का विलोम शब्द पापम ही आएगा, तो इसलिए हमने पुण्यम को पापम से मैच कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं संतुष्ट, संतुष्ट का जाएगा असंतुष्ट, क्योंकि संतुष्ट का विलोम शब्द असंतुष्ट ही होता है, इसलिए हमने संतुष्ट को असंतुष्ट से मैच कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं दुखम, दुखम का ऑपोजिट वर्ड होता है सुखम, तो दुखम को हमने सुखम से मैच कर दिया है। ठीक है, दुखम को हमने सुखम से मैच कर दिया है, क्योंकि दुखम का ऑपोजिट वर्ड सुखम ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं भ्राता, भ्राता का आ जाएगा भागिनी, क्योंकि भ्राता का ऑपोजिट वर्ड भागिनी है, तो हमने भ्राता को भागिनी से मैच कर दिया है। ठीक है,